आपका अपने वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कैंथ्रिस के बारे में लाइव क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, बट बहुत से बच्चे जो उस समय उपस्थित नहीं थे, उनका ये रिक्वेस्ट था कि पीछे की कुछ टॉपिक्स हैं जो कैंथ्रिस में, खास करके जैसे यूरिनरी सिम्टम से रिलेटेड, वो फिर से पढ़ाई जाए। तो लाइव क्लासेस को बार बार दोहराना संभव नहीं है, इसीलिए मैं एक रिकॉर्डिंग सेशन उन लोगों के लिए दे रहा हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक कैंथ्रिस का केवल यूरिनरी सिम्टम्स रहेंगे। सबसे पहले हम जनरल करेक्टरिस्टिक के बारे में समझ लें, कैंथ्रिस के क्या होते हैं। छोटे एक स्मॉल पॉइंटर्स हैं थ्री, जैसे ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल पार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल है। द फर्स्ट पॉइंटर्स में है कि कैंथ्रिस जो है ओवर सेंसिटिव रहता है, खास करके जो उसके दर्द हैं वो पेशेंट को फील होंगे इन द ग्रेटर इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसको दर्द है तो वो कम परेशान है, लेकिन दूसरा पेशेंट उसी दर्द को लेके ज्यादा परेशान है या बेचैन है। और दूसरे वर्ड में आप उसको बोल सकते हैं कि दिस पेशेंट शो द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ पेन इन हिज सिम्टम्स। सो ये ओवर सेंसिटिवनेस कैंथ्रिस में प्रेजेंट रहेंगे, इसका ध्यान रखना है। एंड सेकेंड पॉइंटर है हॉमरेज फ्रॉम नोज, माउथ, इंटेस्टाइन, जेनेटल एंड यूरिनरी ऑर्गन्स। ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कैंथ्रिस के, कि उसको ब्लीडिंग होते रहता है नोज से, माउथ से, इंटेस्टाइन से, जो कि डिसेंट्री में आप ज्यादा महसूस करेंगे उसको, जेनेटल एंड यूरिनरी ऑर्गन। यूरिनरी ऑर्गन का तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे ब्लीडिंग की शिकायत उसको बनी रहती है। एंड लास्ट वन इज द पेन। व्हाट इज द सेंसेशन ऑफ पेन? द सेंसेशन ऑफ पेन ऑफ द कैंथ्रिस इज रॉ सोर बर्निंग इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, विथ एक्सट्रीम वीकनेस। इसमें वन थिंग यू शुड रिमेंबर, द बर्निंग। बर्निंग इज हियर रिटन इन द इटैलिक फॉर्म, सो दिस इज द ग्रेटर इंटेंसिटी देन द रॉ रॉनेस एंड सोरनेस। सो उसमें दर्द तो है, सोरनेस एक महसूस होगा, और सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें सेंसेशन रहेगा पेन में, वो बर्निंग रहेगा। सो द बर्निंग पेन इज अ करेक्टरिस्टिक फॉर द कैंथरिस। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट शॉर्ट में मैंने यहां भी एक आपको डिस्क्राइब किया। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, बर्निंग एंड ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ पार्ट इन द कैंथरिस। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने डिस्कस किए थे, वो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। द इन्फ्लामेशन ऑफ कैंथ्रिस प्रोड्यूसेस ब्लैडर, किडनी, ओवरीज, मेंजाइम, प्लूरेटिक एंड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। द केयर यूजुअली एसोसिएटेड विथ ब्लैडर इरिटेशन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स फॉर द कैंथ्रिस। द इन्फ्लामेशन अकर्स इन मेनी ऑर्गन्स इन द पेशेंट बॉडी, बट यूजली एसोसिएटेड विथ सम ब्लाडर इरिटेशन और ब्लाडर सिम्टम्स। कुछ न कुछ उसके यूरिनरी ऑर्गन में प्रॉब्लम प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, यदि कोई भी उसको परेशानी है तो। सो यू शुड कीप इन माइंड दैट द एनी अदर कंप्लेन्स एसोसिएटेड विद द ब्लाडर कंप्लेन इज मे बी अ कैंथरिस पेशेंट। ये क्लियर है? यदि कुछ भी परेशानी है तो उसके साथ में यदि यूरिनरी ब्लाडर से लेके या यूरिनरी सिम्टम्स के लेके कोई सिम्टम्स या कोई समस्या प्रेजेंट है, तो वो कैंथरिस का पेशेंट हो सकता है। एंड सेकेंड वन द इंपॉर्टेंट अबाउट इट्स इन्फ्लामेशन इज रैपिडली विथ विच इट डेवलप्स इन टू द गैंग्रेनस स्टेट। ये एक महत्वपूर्ण है, खास करके इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं
कि जैसे एकोनाइट ब्लड होना, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन अकर हुआ और आफ्टर 2 or 3 days इट्स गोइंग टू बी रिकवर, बट इन केस ऑफ द कैंथ्रिस दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन. द इन कैंथ्रिस केस द इन्फ्लामेशन इंक्रीजेज एंड आफ्टर 24 hours or 48, यू कैन से द 2 days, 3 days इन द टाइम द पेशेंट कंडीशन इज गोइंग टू बी ओट्स एंड द डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी अकर्स इन द पार्ट विच इन्फ्लाम्ड. तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यूरिनरी ऑर्गेन में उसको इन्फ्लामेशन है, कोई सिम्टम्स है, फीवरिस है, बर्निंग है, पेन है, एंड आफ्टर सम टाइम यदि आपने कैंथ्रिस उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया है, यू स्टिक ऑन द अदर मेडिसिन लाइक द बेलाडोना एंड एनी अदर मेडिसिन जो कि उससे सिमिलर सिम्टम्स रखते हैं, वो सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होंगे और डिटोरिएट होंगे. पेशेंट स्टार्ट टू यूरिन फ्रीक्वेंटली एंड विच इज मिक्स विद द ब्लड. तो जब भी यूरिन में ब्लड आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे पैथोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है, अर्थात कैपिलरी वहां से फट ब्रेक हो रही है और उसमें से ब्लीडिंग अकर हो रहा है ड्यू टू द गैंग्रेनस स्टेट. दिस इज द डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी. उसके ब्लैडर या उसके यूरिनरी ऑर्गन में कुछ ऐसा घट रहा है जिससे उनकी पैथोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर में चेंजेज हो रहा है या उनके स्ट्रक्चर खराब हो रहे हैं, या यूं कहे कि वो ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं और जिसके चलते उनमें और समस्या बढ़ती जा रही है एंड ब्लीडिंग अकर्स, गैंग्रीन डेवलप हो जाता है, अर्थात वो ऑर्गन सड़ने लगता है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैंथ्रिस, द रैपिडिटी ऑफ द इन्फ्लामेशन. पेशेंट का इन्फ्लामेशन इतना जल्दी शुरू होकर इतना तेजी से डिटोरिएशन की तरफ चला जाता है कि पेशेंट की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है. यदि उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ऑब्वियसली यदि कैंथ्रिस प्रेस्क्राइब नहीं की गई, तो पेशेंट विल बी गोइंग टू डाई सून. सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने हैं उसके इन्फ्लामेशन के बारे में. नाउ वो कम्स टू द वन पॉइंट मोर, द फूड. यहां फूड का हमने डिस्कस नहीं किया है, बट इस स्लाइड को मैं इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यूरिनरी सिम्टम्स के लिए कि नीचे में है एक ड्रिंकिंग इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस द पेन इन द ब्लडर. ये एक रिमेम्बरिंग पॉइंट है कि पेशेंट यदि थोड़े से भी पानी पी लेता है तो उसका जो इरिटेशन है या पेन है ब्लडर में वो बढ़ जाता है. हालांकि द कैंथ्रिस पेशेंट इज थ्रस्टी पेशेंट, बट माइंड में तो डिजायर रहता है उसके पानी पीने का, बट फिजिकल सिम्टम्स उसके जो है बढ़ जाते हैं यदि पानी कंज्यूम करता है तो. एंड डिस्कस फॉर द एवरीथिंग, ड्रिंक, फूड, टोबैको, ये तो प्रेजेंट रहते ही हैं कि इनसे उसको अच्छा नहीं लगता, वो चाहता नहीं इन सारे चीजों को, कोई चीज पीना, कोई चीज खाना, इवन टोबैको तक लेना. तो ये इसके फूड के डिजायर हैं और खास करके वाटर जो है रिलेट करता है यूरिनरी ब्लैडर के पेन से. नाउ इन दिस स्लाइड वी स्टार्ट द यूरिनरी सिम्टम्स. द फर्स्ट सिम्टम्स विच मेंशन इन योर द एलेंसकी नोट्स इज द कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट. नो लुक एट दिस फ्रेज, द व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेट विच इज राइट इन द बोल्ड लेटर इन द एलेंसकी नोट. दैट मीन्स दिस इज अ प्रोमिनेंट सिम्टम्स फॉर द कैंथ्रिस पेशेंट. कॉन्स्टेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेट, हमेशा ऐसा लगेगा कि उसको पेशाब करने की इच्छा है और पेशाब करने जाना चाहेगा. पासिंग बट ए फ्यू ड्रॉप एट ए टाइम विच इज मिक्सड विथ ब्लड, सडन डिजायर टू यूरिनेट एंड इंटेंस इचिंग इन यूरेथ्रा. ये एक पेट्रोस जो मेडिसिन है उसमें भी है, ये क्रॉस रेफरेंस के लिए है कि उस मेडिसिन में भी है. लाइक दिस मेडिसिन द कैंथ्रिस हैव ऑल्सो अ अर्जिंग ऑफ यूरिनेट कॉन्स्टेंट, हमेशा उसको पेशाब करने की इच्छा रहेगी, लेकिन बार बार पेशाब करने जाएगा और फ्यू ड्रॉप, कुछ बूंद पेशाब, कुछ बूंद यूरिन निकलेगा जो कि ब्लड के साथ मिक्स रहेगा.
तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन इन द कैंसरस पेशेंट। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है उसके इंटॉलरेबल अर्जिंग बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन, वायलेंट पेन इन ब्लैडर। ऑब्वियस है ये पहला वाला जो फ्रेज है कॉन्स्टेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेट उसी का एक्सप्लेनेशन है। इंटॉलरेबल अर्जिंग, इंटॉलरेबल दैट मीन्स द पेशेंट कैनॉट होल्ड द यूरिन फॉर ए लिटिल बिट ऑफ टाइम इवन। सो यहां कॉन्स्टेंट का आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर, दैट मीन्स कोई भी समय बाकी नहीं है, पेशाब से पहले भी उसको अर्जिंग है एंड पेशाब जब कर रहा है उस टाइम भी अर्जिंग मेंटेन है, और पेशाब करने के बाद भी जब उसका यूरिनेशन रुक गया है तो देन दैट टाइम ऑल्सो पेशेंट फील द अर्ज ऑफ यूरिनेशन। सो दिस इज द कॉन्स्टेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन विच मेंशन्ड इन द अपर पैराग्राफ, दिस सेम इज हियर। नाउ वी कम टू द थर्ड वन, द बर्निंग कटिंग पेन इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग मैच्योरेशन, वायलेंट टेनसनेस एंड स्ट्रेंग्युलेशन। दिस इज द सेंसेशन ऑफ पेन। व्हाट टाइप ऑफ पेन अकर्स ड्यूरिंग द यूरिनेशन इन द कैंथरिस पेशेंट? बर्निंग, कटिंग पेन, कटिंग पेन इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जलन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई यूरेथ्रा में काट रहा हो, ये होता है मैच्योरेशन अर्थात यूरिनेशन के ड्यूरिंग पेशाब करते समय। वायलेंट टेनसनेस एंड स्ट्रेंगुलेशन, वायलेंट टेनसनेस एज यू नो द इंटॉलरेबल अर्जिंग, यही है वायलेंटिनेसमस, उसको लगता है कि कुछ बाकी है अभी और होना है। एंड स्ट्रेंगुरी, बहुत लिटिल मात्रा में यूरिन पास होना, ये ओल्ड टर्मिनोलॉजी स्ट्रेंगुरी जो कि अब इस्तेमाल नहीं होती है। लास्ट इज द बर्निंग पेन एंड इंटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट इज द रेड स्ट्रेंग ऑफ कैंथरिस इन ऑल इंफ्लामेटरी अफेक्शन। दिस फेज इज द कंक्लूजन फॉर ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द कंक्लूसिव सिम्टम्स ऑफ द कैंथरिस? The burning pain and intolerable urging to urinate is the red stain of cantharis. ये एक लाल रंग से एक आप इवन निशान लगा लीजिए, कहा जाता है कि ये मेन पॉइंटर है कैंथरिस के लिए, इसीलिए फ्रेज यहां इस्तेमाल किया गया रेड स्टैंग ऑफ कैंथरिस। एक तरह से आप कहिए कि इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इवन बढ़िया से लाल पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि इसके पेन में जलन होगा और हमेशा अर्जिंग रहेगी, और ऐसा अर्जिंग जिसको पेशेंट रोक नहीं सकता है यूरिनेशन का, दिस इज द कैंथरिस पेशेंट एंड दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द यूरिनेशन ऑफ कैंथरिस। तो यहां आप एक चीज स्पष्ट देख रहे हैं कि उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ब्लडी यूरिन, दूसरा कॉन्स्टेंट अर्जिंग, और तीसरा है intolerable urging. That means the patient not even hold the urging for a little bit. थोड़े time के लिए भी वो पेशाब रोक नहीं पाता है, वो तुरंत पेशाब करने जाना चाहता है, and the pain during the micturation. पेशाब करते समय जो pain होता है, जो जलन और cutting pain होता है, तो ये एक conclusive symptoms है, ये conclusion है कैंथरिस पेशेंट के यूरिनेशन के लिए। एंड द लास्ट थिंग वी हैड डिस्कस फॉर द यूरिनरी सिम्टम्स इज द मोडालिटी। व्हाट इज द मोडालिटी? मोडालिटी जब आप एलेंस की नोट्स में पढ़ेंगे तो उसमें है केवल एग्रावेशन का दिया हुआ है, ड्रिंकिंग इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस पेन इन द ब्लैडर, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड स्लाइड में ही, सॉरी सेकेंड नहीं, उसके थर्ड स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यदि वो प्यासा तो है, उसको प्यास तो लगती है, लेकिन थोड़े से भी पानी पीने से उसके ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में दर्द शुरू हो जाता है। सो ये ओवरऑल इतना जो हम लोगों ने डिस्कशन की, ये यूरिनरी सिम्टम्स का है कैंथरिस का। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, जिन लोगों के क्लासेस पहले छूट गए हैं यूरिनरी सिम्टम्स के लेके, वो इस वीडियो को देखें और समझ लें, खास करके दो तीन पॉइंट उनको याद रखने के लिए
इनफ है कि एक आप रिमेंबर करें कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द अर्जिंग. फर्स्ट इज द, मैं फिर से उसको एक कंक्लूड कर दूं, कॉन्स्टेंट अर्जिंग. सेकेंड इज द इनटॉलरेबल अर्जिंग, दैट मीन्स द पेशेंट कैनॉट होल्ड द अर्ज ऑफ यूरिन फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, फॉर अ मिनट, टू अ फाइव और टेन मिनट, ही द पेशेंट नॉट एबल टू कंट्रोल और होल्ड द अर्ज ऑफ यूरिन. दिस इज द कॉल इनटॉलरेबल अर्जिंग. नाउ थर्ड पॉइंट इज द सेंसेशन, व्हाट टाइप ऑफ द पेन सेंसेशन. दिस इज द सेंसेशन इज द बर्निंग एंड कटिंग पेन इन द यूरेथ्रा. रिमेंबर द वर्ड यूरेथ्रा, उसको यूरेथ्रा में एक पेन होता है, तो ब्लडर में नहीं, यूरेथ्रा. जब यूरिनेशन पास होता है ड्यूरिंग मैच्यूरेशन, तो उसके यूरेथ्रा में कटिंग एंड बर्निंग पेन होता है. एंड द लास्ट वन यू शुड रिमेंबर द वायलेंट टेनेसमस. सब चीज कर रहा है, पेशाब उसको जा रहा है, थोड़ा बहुत यूरिनेशन होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे उसे अभी पेशाब करना है. तो कॉन्स्टेंट अर्जिंग, बर्निंग यूरिनेशन, इनटॉलरेबल अर्जिंग एंड ऑब्वियसली द पैथोलॉजी, दैट मीन्स द यूरिन मिक्स्ड विथ ब्लड. दिस इज अ बंच ऑफ द सिम्टम्स विच इज इनफ फॉर द कैंथरिस. इफ यू सी ऑल दिस थ्री और फोर सिम्टम्स इन अ पेशेंट, यू शुड इमीडिएटली प्रिस्क्राइब द कैंथरिस, एल्सवेयर द पेशेंट कंडीशन इज गोइंग टू बी वर्स, एंड इन द वेरी वर्स कंडीशन पेशेंट मे डाई. सो आई थिंक वी कंक्लूड द यूरिनरी सिम्टम्स ऑफ कैंथरिस हियर.